देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट दी। जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लान कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। और जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं कि अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा, ये हालात है। यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, वो आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो दिख रहा है। उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। आप गौर फरमाइए, उनके एजेंडे से पता चलता है, उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुफ्त में भोजन मिल रहा है? क्या उन सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? मुफ्त में आवास की व्यवस्था की जा रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्या उसमें मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? आप देखिए, गौर फरमाइए, आयुष्मान कार्ड जहां मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है, क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? हम अगर पानी दे रहे हैं तो सबके लिए, बिजली दे रहे हैं तो सबके लिए, सड़क दे रहे हैं तो सबके लिए, रेल दे रहे हैं तो सबके लिए, अनाज दे रहे हैं तो सबके लिए, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं तो सबके लिए। और सचमुच में इस पिछले 10 सालों में उन तमाम गरीबों के गरीबी से बाहर निकालने में, वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है। क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का? जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लान कर रही है। मैं बहुत उन चीजों को रखने का काम कर रहा हूं, देश की जनता को, आम जनता को, किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। कांग्रेस कह रही है देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट दी। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारी नीति हमारी पॉलिसी हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हम लोगों की गरीबी को निकालने के, गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर काम कर रहे हैं, मेरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या आप अपने बाल बच्चा के लिए कमाई है? हम उसको सिर्फ मुसलमानों में बांट देंगे? अरे हमारी पार्टी तो गरीबों के काम कर रही है, हमारी नीति तो गरीबों के लिए है। देश का एकमात्र ही व्यक्ति है, जाति है, धर्म है, मैं मानता हूं, वह है गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों गरीब को आगे रख करके योजना बनाया, बहुत बारीकी से आप देखिए। यही याद करिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। आप गौर फरमाइए, उनके एजेंडे से पता चलता है, उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से याद होगा, बहुत दुनिया को याद है, मैं तो उस समय पार्लियामेंट का सदस्य भी था, बहुत बारीकी से उन चीजों को देखा हूं करीब से। राहुल गांधी ने
माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह ने एक ऑडियंस लाया था कुछ लोगों को राहत देने के लिए, और कैबिनेट का निर्णय का विरोध किया। राहुल गांधी ने ऑडियंस को फाड़ दिया। उसी तरह से मनमोहन सिंह के उस बयान को जो उन्होंने कहा है, सच्चाई है, दुनिया के सामने आया है, क्या कांग्रेस राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत गलत बोलने का काम करें? है हिम्मत वह आए सामने, फाड़ दिया था ना ऑर्डिनेंस की, काम किया है गलत। मनमोहन सिंह के इस बयान का मैं उद्धृत कर रहा हूं, उसको बोले है हिम्मत तो आए सामने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मुसलमान को हम सब कुछ छीन कर दे देंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है। जब वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो, वो गरीब, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, उसकी नीति पॉलिसी बना रहे हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सोच में फर्क है। आपने देखा नहीं, हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा गरीबों का हक है, और मैं दिखाना चाहता हूं अपने, क्या मुफ्त में भोजन मिल रहा है? क्या उन सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? मुफ्त में आवास की व्यवस्था की जा रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्या उसमें मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? आप देखिए, गौर फराइए, आयुष्मान कार्ड जहां मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है, क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हम किसी जाति और धर्म के विरोध में हम काम करने का काम, हमारी सोच है, हमारी सरकार का, हमारी मोदी जी का सोच है। हम अगर पानी दे रहे हैं तो सबके लिए, बिजली दे रहे हैं तो सबके लिए, सड़क दे रहे हैं तो सबके लिए, रेल दे रहे हैं तो सबके लिए, अनाज दे रहे हैं तो सबके लिए, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं तो सबके लिए। और सचमुच में इस पिछले 10 सालों में उन तमाम गरीबों के गरीबी से बाहर निकालने में बहुत भूमिका अदा किया, अहम भूमिका। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। हमारा कमिटमेंट है, हम इसको जारी रखेंगे। हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हम इन सब चीजों को बहुत ऊपर रखे करने का काम करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है, मगर देश के कांग्रेस पार्टी, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में बेचा जाता था। याद करिए, हिंदुस्तान का उस समय में प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट था, ये दो तरह की सोच कहां ले जाना चाहता है कांग्रेस पार्टी, और इनकी नीति, इनका सिद्धांत, इनकी सोच किस रसातल में पहुंचाना चाहता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी एनडीए में, और ये फर्क आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम देश को गिरवी करना चाहते हैं, हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये सोच की बात है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। एंड जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं पूरे तौर पर कहना चाहता हूं, इस चुनाव में, जो चुनाव सामने है,
हिंदुस्तान की और बिहार की महान जनता इन सी चीजों को बारीकी से देख रही है, इनकी सोच को देखने का काम कर रही है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से नापने का काम कर रही है। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का सोच और काम देश ने देखा है 10 सालों में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है बिहार में, देश में, कोई रोक नहीं सकता 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग का जो मन है, विचार है, जो सोच है, वो सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता एक कदम और बढ़ के बोल रहे हैं कि अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा, ये हालात है। यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, वो आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो दिख रहा है, उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है, न देश को आगे कुछ देने वाली है। इनकी सोच, इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनकी नीति जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया है, और हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व, देश को बर्बादी से निकालने का काम किया है। अब देश की जनता पुनः इन्हें कभी मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए, उस जहां देश को गिरवी रखने का काम किया। आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।